आई लव नवादा का सैम्बल है यहाँ पे। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो आउट ऑफ बिहार हैं, जो आउट ऑफ नवादा हैं और जो आउट ऑफ इंडिया हैं लेकिन वो नवादा के रहने वाले हैं। उनके लिए बहुत ही स्पेशल ये वीडियो होगा क्योंकि आज हम आपको आपके अपने शहर नवादा से रूबरू कराने वाले हैं और बहुत ही डीपली बताने वाले हैं कि नवादा शहर में क्या चेंजेस हुआ है और आपके लिए क्या कुछ नवादा नया लेकर आया है आपके लिए। तो वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत सारे चीज़ों को हम आपको बताते चलेंगे, तो आपको यहीं से देखने को मिल रहा होगा क्योंकि हमारे पीछे ये जो रोड देख रहे हैं, सबसे पहले ये इस रोड की बात कर लेते हैं। ये NH 31 का रोड है जो कि 4 लाइन में कन्वर्ट हो गया है। ऑलमोस्ट ये जो है 2023 तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और नवादा शहर की बात करें तो जो लोग पुराने, मतलब कि काफ़ी दिनों से नवादा शहर नहीं इन किए हैं या फिर नहीं देखे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पे बाईपास से ही आपको चेंजिंग देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो चेंजिंग है यहाँ पर का, वो ये डिवाइडर आपको दिखता है। तो देखिए आप यहाँ से ही आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो डिवाइडर जो बीच में पड़ा है, ये नया रिसेंटली अपडेट है जो कि पूरा यहाँ से लेके पूरा शहर तक कवर किया गया है। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि नवादा शहर में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये आपका अपना शहर का वीडियो है। कि मौसम अचानक से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया तो हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान जो होता है ना बिहार में आता है ना, वो सडनली आ गया तो हम लोग को वेट करना पड़ा। और शाम भी हो चुका है, तो शाम हो गया तो और आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि थोड़ा सा जो नवादा शहर का व्यू है वो कुछ लाइट वगैरह से सजा हुआ मिलेगा आपको। तो अभी हम लोग जस्ट केंदुआ बाईपास से, मतलब कि मार्केट की ओर इन किए हैं और ये देख सकते हैं अभी हम लोग जो है केंदुआ बाईपास के पास ही हैं। और जैसे ही आप बाईपास आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको डेवलपमेंट के नाम पर जो आपको एक शोरूम दिखाई देगा, वो देखिए एक ह्युंडई शोरूम है जो कि आज बंद है। और इसके जस्ट सामने एक रॉयल इनफील्ड है, अगर किसी को आप बुलेट गाड़ी लेना हो तो वो बाहर नहीं अब नवादा में ही परचेज कर सकते हैं। तो नवादा में डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा आया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जिनको नहीं पता था कि नवादा में बुलेट का शोरूम है, उनको आज पता चल जाएगा हमारे वीडियो के माध्यम से कि नवादा में भी बुलेट का शोरूम है। तो और भी आगे जो चीज़ें आएंगी मैं उनको आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो में बने रहें। और एक चीज़ मैं आपको इसमें इन्फॉर्म कर दूँगा इसकी, क्योंकि आज जो है ना संडे है, तो संडे के डेट में ना बहुत सारे जो शोरूम होते हैं और जो भी अच्छे अच्छे शॉप होते हैं वो थोड़ा सा बंद रखते हैं। इसलिए आपको जो पीछे देखने को मिला ह्युंडई शोरूम और जो बुलेट का शोरूम था वो बंद था। और जैसे ही थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाता है ये बजाज का शोरूम है और यहाँ पर जॉन का शोरूम है जो कि यहाँ पर ट्रैक्टर जो कहते हैं वो ट्रैक्टर का भी शोरूम है जस्ट बगल में। और आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, आप जब पहले नवादा विजिट किए होंगे तो आपको ये जो डिवाइडर है वो आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो अभी जो है आपको डिवाइडर भी मिल रहा है देखने के लिए और ये जो रोड का कंडीशन है वो भी थोड़ा सही हो गया है। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिव मंदिर के पास। ये देखिए जो है शिव मंदिर है, किड्स स्कूल है जो कि काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है यहाँ पे। देखिए इसको RPS स्कूल के नाम से जाना जाता है जो कि स्पेशली फॉर चाइल्ड के लिए बनाया गया है। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये गुनावा जी का मंदिर है। तो यहाँ का जो मोहल्ला है आसपास का, एक पास में मोहल्ला पड़ता है जिसको कहते हैं गुनावा, तो ये गुनावा जी मंदिर के ही नाम से ये यहाँ के मोहल्ले का नाम पड़ा है गुनावा। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, जस्ट ये देख सकते हैं ये निभा सिनेमा हॉल है। बहुत पहले मैं यहाँ पे आया करता था, मतलब कि पिक्चर देखने के लिए यार। अभी तो ये बंद हो चुका है, शायद ये सेल हो गया है, अब यहाँ पता नहीं क्या होने वाला है। और गुनावा में ही मेरी, मतलब मेरे भाई साहब के एक गर्लफ्रेंड रहती है। ऐसा है, हमको तो नहीं पता था। नहीं पता, हमको पता है। अच्छा, तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं आप निभा हॉल से, तो देखिए एक डेल का शोरूम मिलता है आपको। ये डेल का शोरूम है, अगर आपका लैपटॉप कभी ख़राब हो जाए बाय चांस, हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए, जैसे कि इसका माइंड क्रैश कर जाता है, तो हम यहीं पर लाकर इसका ना रिपेयरिंग करवाते हैं, है ना निदेश? क्योंकि इसके जो ब्रेन में ना हार्ड डिस्क लगा हुआ, डेल का ही लगा हुआ है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं देखिए गुनावा। आपको सामने जो बोर्ड दिख रहा होगा
वो उस पर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में गुनावा। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा शाम होने को है। शाम क्या होने को है, थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से ना आपको थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और विंडी नॉइस भी सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि जो यहाँ पे नॉइस है ना, हवा जो है बहुत तेज़ बह रहा है, तो थोड़ा सा आपको विंडी नॉइस सुनने को मिल रहा होगा। ये है सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम, जो कि मोती बीघा में पड़ता है। और ये देख सकते हैं आप, गोदरेज का शोरूम है। इंटीरियर से रिलेटेड हर एक चीज़ गोदरेज का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गोदरेज का इंटीरियर है ये। और ये नया देखिए, ये शोरूम जो आप देख रहे हैं, सियाराम का शॉप जो खुला है, शोरूम या शॉप कहिए, ये एकदम नया खुला है सियाराम शॉप। कहाँ पे ये? और ये जो है आपको पड़ता है गुनावा के पास ही। अंशु इंटरप्राइजेज का एक न्यू शॉप है, जो कि इस साइड आपको देखने को मिल रहा है। और इसके जस्ट आगे ही देखिए आपको एक और है, एम विजन, जो कि अंशु इंटरप्राइजेज का ही है गाइस। तो यहाँ भी आपको देखिए देखने को मिल जाएगा एम विजन, अंशु इंटरप्राइजेज। और ये सामने रहा पेट्रोल पंप, और ये जो है पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं, ये संकट मोचन के पास पेट्रोल पंप पड़ता है। और जस्ट इसके बगल में ना आपको होंडा का शोरूम है, तो अगर किन्हीं को बाइक वाइक लेना हो ना, तो आप आउट ऑफ नवादा मत जाइएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। ये जो आप देख रहे हैं संकट मोचन है, यहाँ पे मैं एवरी मंगलवार और शनिवार को आता हूँ हमेशा, और यहाँ पर पूजा करके जाता हूँ गाइस। तो बाबा को प्रणाम करते हैं, बजरंग बली को, और यहाँ से आगे निकलते हैं। चलो, आंटी बैठी हुई है। तो गाइस ये सामने जो देख रहे हैं आप मोंटी कार्लो है, और मोंटी कार्लो के ऊपर ही जावेद हबीब का सैलून भी खुल चुका है नवादा में। और उसके जस्ट अपोजिट साइड ये कुसुम का जो है ये शॉप है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है यहाँ पे। आपको कुसुम से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे ब्रांड होते हैं, छोटे और बड़े सारे आपको ब्रांड यहाँ पे मिल जाएंगे। मीन्स कि यहाँ पे यार मान्यवर भी इंक्लूडेड है, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस लेवल का ब्रांड आपको मिल सकता है यहाँ पे। और साथ में ब्लैकबेरी भी है यहाँ पे, टाइटन आई प्लस का आपको शोरूम मिलता है, बाटा शोरूम है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार हमारे नवादा में। और ये पीटर इंग्लैंड है, तो अभी तो पता नहीं इसमें कुछ काम चल रहा लगता है, क्योंकि खाली खाली सा दिख रहा है गाइस। और ये जो है आप इस साइड देख रहे हैं, ये है नवादा का ब्लॉक। तो अभी हम लोग ब्लॉक के पास पहुंच चुके हैं। इधर आपको मारुति सुजुकी का भी शोरूम मिल जाता है, और मारुति सुजुकी शोरूम के जस्ट बगल में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, और उसी के बगल में अपना ये बिहार का बहुत ही ब्रांड आप कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा ब्रांड, जो कि आदित्य विजन, हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। और एक और इसके जस्ट बगल में देखिए बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ जो है आगे आपको देखने को मिल जाएगा। राजघराना शोरूम, जिसमें आपको मल्टी टाइप्स के आपको मल्टी टाइप ब्रांड आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रायमंड है यहाँ पे, मान्यवर है, बहुत सारे जो भी मल्टी ब्रांड होते हैं आपको, मुफ्ती है, किलर है, ब्लैकबेरी है, जॉकी है, ऑलमोस्ट सारा चीज़। और ये है गिरजा होंडा शोरूम, सॉरी गिरजा का हीरो शोरूम, जैसा कि मैंने आपको पीछे देखे थे वो था आपका होंडा का शोरूम, और ये जो है गिरजा हीरो शोरूम है। तो अगर हीरो का भी अगर आपको कुछ लेना है बाइक वगैरह, तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। और स्पेशली यहाँ पे देखिए एक कीलर का शोरूम बनाया गया है, जो कि ये आपको डीएम कोटी के अपोजिट साइड पड़ता है। और अगर इस अपोजिट साइड देखें तो ये नवादा का हार्ट इसको कह सकते हैं, ये डीएम कोठी हो गया, यहीं पे सारे जो भी हमारे अधिकारी लोग होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, सारा का रेसिडेंस आपको इसी में मिलता है। और ये हो गया नवादा का वाइट हाउस, जहाँ पे जो भी पॉलिटिशियन आते हैं वो यहीं स्टे करते हैं। ये देखिए आपका नवादा का सिविल कोर्ट। तो अभी हम सिविल कोर्ट के आगे ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये मंगर बीघा के पास पहुँच चुके हैं। और जस्ट आप सामने जो चौक देख रहे हैं, ये जो चौक है
बहुत सारा यादें जुड़ा हुआ है इस चौक से हम लोगों का, क्योंकि लॉकडाउन में ना गाइस हम लोग बहुत बार आ गए यहाँ पे, चाय पिए हैं। मतलब कि जिस टाइम ओपन रहता था मार्केट, जिस टाइम मतलब कि छूट दिया जाता था, उस टाइम आकर हम यहाँ पर चाय पीते थे। यहाँ पर बहुत सारे जो भी चाय लवर हैं आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, टी लवर। और ये है नवादा का बस स्टैंड, बिहार का बिहार बस स्टैंड। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और हमारा शहर कैसा लगा आप ये कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा भाई का चैनल है जो कि आपको और भी आगे इंटरेस्टिंग पार्ट्स आपको दिखाता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टाटा, टेक केयर।